नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाली। दिग्विजय सिंह का बयान, सरकार 100% सुरक्षित है। बीजेपी की और भी विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं, सब धीरे धीरे आ जाएंगे। संजय पाठक मेरे मित्र का बेटा है। दिग्विजय सिंह, बजट सत्र के बाद होना चाहिए मंत्रिमंडल का विस्तार, ऐसा उनका कहना है। मामले में जा आना चाहेंगे। संजय पाठक के पिता सतीश पाठक मेरे निजी मित्र थे। जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर के अध्यक्ष थे जब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था। मित्र मेरे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर थे। संजय पाठक को हमने ही जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया था। ये हमारा ही मित्र का बेटा है। ये असल में पैसे वैसे मामले में ज्यादा कमाई इसने कर ली तो भटक। सर आप 100% दिग्विजय सिंह जी की 5 साल पूरे चली, 1.5 साल हो गए। ये तो कहते 3 महीने नहीं चले, 6 महीने नहीं चले, 7 दिन नहीं चले, 1.25 साल तक हम लोगों ने किया है। प्रदेश में सेवा की, किसानों के कर्जे माफ किए, बिजली का बिल तुम्हारे घर में कितना आता था बताओ, कितना आ रहा है, क्या हुआ कि नहीं हुआ। सर तो आपको बता दें, भोपाल दिग्विजय सिंह पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है साफ तौर पर, हमारी सरकार कमला सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है और बीजेपी के एमएलए भी हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जो धीरे धीरे आ जाएंगे। कमलनाथ सरकार पूरी तरह से जो है सुरक्षित है, साफ तौर पर दिग्विजय सिंह का कहना है। और उन्होंने कहा है बीजेपी एमएलए हमारे संपर्क में है जो धीरे धीरे आ जाएंगे। संजय पाठक मेरे मित्र का बेटा है, ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है। साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए बजट सत्र के बाद। उन्होंने कहा है मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। भोपाल पहुंचे हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उनका बयान सामने आया, आपको भी सुनवाया बयान। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार हमारी सुरक्षित है और